What's up guys and welcome back to the channel. It's your boy Dhruv and today is my last day in India. So finally it's the time to fly far away from your family and friends. तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पटियाला शहर की कुछ मेन अट्रैक्शंस को कवर किया जाए जिससे मुझे याद आती रहेगी अपने शहर की और हमेशा मैं रिफ्रेश सा फील करूँ जब भी इस ब्लॉग को देखूंगा. आज मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया, जो भी मेन अट्रैक्शंस थी उसी की वजह से बनी है वो. बस सुबह निकलने वाले हैं हम, तो इस व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है. सुबह हम पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कर देंगे इस व्लॉग को. फिलहाल के लिए बहुत नींद आ रही है. गुड नाइट, टेक केयर. सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम अगेन टू द चैनल. तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6, तो अभी सब रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुका हूँ. तो अभी हमारे चेक इन बैग्स हो चुके हैं रेडी और वहाँ कैबिन बैग पड़ा हमारे साथ. सबसे बढ़िया बात इस जर्नी की ये है कि मेरे अंकल भी मेरे साथ जा रहे हैं दुबई तक, क्योंकि मेरी दुबई तक की स्टे है. और आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन जिसका नाम है एमिरेट्स. तो अभी जल्दी से चलते हैं, बस 8-9 बजे हम निकलने वाले हैं. तो जल्दी से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट. मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं वॉन्डर क्रैपर. दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप भीड़ चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है. ऐसा है. तो दोस्तों इस जर्नी में मेरे साथ बहुत जने जा रहे हैं, मतलब 4 से 5 लोग हैं हमारे साथ. एक तो मेरे अंकल आपको बताया था और उनके कुछ दोस्त हैं. तो अभी इस गेट से एंट्री लेंगे. ये गेट काफ़ी इमोशनल कर देता है. अभी तो बड़ा सही लग रहा है, बट जो पेरेंट्स क्लोज आएंगे ना वो पीछे खड़े हैं. तो एक्चुअली कोई नोन मिल गया था, उनको मिल रहे हैं. ये मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं सामने. बाकी अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा मैं, जो भी एमिरेट्स से ट्रैवल करने वाला. तो गेट्स के बाहर ही आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिस पे फ्लाइट चेक इन इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. अपने एयरलाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, हमारा लिखा हुआ EK515. अभी जस्ट एंट्री लेने लगे हैं. यहाँ पे पासपोर्ट और टिकट चेक होगी हमारी, तो अभी बाहर से एंट्री ले ली है हमने. अभी बस चेक इन करने जा रहे हैं. तो अगर दोस्तों आप लोग एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको JRO में आना है. ऊपर देख सकते हो अल्फ़ाबेट, ये JRO है, ये सारी एमिरेट्स की है. और बाकी अलग अलग एयरलाइंस की है, अपने एयरलाइन के हिसाब से आप आ सकते हो यहाँ पर. तो अभी वेट कर रहे हैं, बहुत वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी 3-4 घंटे पहले आ चुके हैं.
बट सही भी है यार, बहुत ट्रैफिक होता है दिल्ली में। तो अभी हम लोग बस चेक इन करने वाले हैं, अभी एमिरेट्स का पोर्टल खुल जाएगा। अभी बस लाइन में सबसे पहले आगे ही लगे पड़े हैं हम, इसके पीछे लाइन शुरू होगी। वही है ना बात, तो फिर जाम घट जाए वहाँ से लाइन शुरू होती है। तो यहाँ से हमारा चेक इन होने वाला है, तो यहाँ लिखा हुआ है एमिरेट्स। तो अभी एमिरेट्स की विंडो ओपन हो चुकी है, अभी यहाँ पे एमिरेट्स शो होगा थोड़ी देर में। A few minutes later. तो दोस्तों हमारी सिक्योरिटी हो चुकी है और इमिग्रेशन भी हो चुकी है। यहाँ सिक्योरिटी चल रही है, देखिए ऐसे सिस्टम होता है सिक्योरिटी का। बस अपना सामान वगैरह कलेक्ट करके निकल रहे हैं और अभी आ गए हैं ड्यूटी फ्री में। तो यहाँ बस मस्ती है, जो मर्जी खरीदो अपना, है ना। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको ड्यूटी फ्री में क्या कुछ मिलता है। दोस्तों हेयर इज़ माई बोर्डिंग पास। तो इसके ऊपर अपना गेट लिखा हुआ, गेट नंबर 1B। तो बस इसको फॉलो करते जाना आपको, बड़ा इजी प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा सब कुछ। बाकी इमिग्रेशन वगैरह कैसी रही वो एंड में बताऊंगा आपको। क्वेश्चनिंग वगैरह जो भी थी, है ना, क्वेश्चनिंग हुई थी, मतलब बड़े मजाकी से क्वेश्चन थे, बट आपको बिल्कुल फंसना नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है। तो अभी हमारी बोर्डिंग के लिए काफ़ी टाइम पड़ा है, तो अभी हम लॉज एक्सेस करने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है एकदम। आई मीन 2 rupees चार्ज होंगे, बट मेरे अंकल की वजह से अभी प्रीमियम एक्सेस लेने वाले हैं लॉज का। तो आपको भी एक बार दिखाते हैं कैसा होता है अंदर सीन और क्या कुछ हमें खाने को मिलता है। लॉज के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स। ये लॉज नहीं है, ये अपना जो भी अपने डोमिनोज वगैरह है ना, सबवे वगैरह, KFC, जो भी आपने आइटम खानी है यहाँ पे खा सकते हो। और बहुत अच्छी स्पेस बनी हुई है, आराम से बैठ के अपना चिल कर सकते हो अगर आपके पास टाइम पड़ा है बिफोर बोर्डिंग। सो इट्स अ वे टू लॉज। तो बस अभी जल्दी से अंदर चलते हैं। सो यहाँ से हमारा लॉज स्टार्ट होता है और यहाँ पे बिल्कुल ही प्रीमियम सी लुक है। तो यहाँ पे आप जो भी आइटम देख रहे हो ये बिल्कुल ही फ्री है, यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं हम, कुछ भी। तो भाई दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रीमियम लॉज। वाओ, लुक एट द प्लेस यार। यहाँ पे आपके पास वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। वाओ, जस्ट वाओ। अभी टेस्ट करके देखते हैं, अगर टेस्ट अच्छा हुआ तभी बोर्ड थे, अदरवाइज तो क्या ही फायदा ना। सो हेयर इज़ माई प्रीमियम लॉज फूड। तो बाकी मेरे अंकल और उनके फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे हैं और अभी आराम से बैठ के खाएंगे, आपको बताएंगे टेस्ट वगैरह। बाकी यार फैसिलिटी तो A1 है, सही कह रहा हूँ भाई, मस्त। तो दोस्तों मेरे खाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ मैंने डाली थी अपने प्लेट में सब बहुत बढ़िया था। अभी स्टिल 1 घंटा पड़ा है फ्लाइट को, तो बस आराम कर रहे हैं, एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे सीन चल रहा है, बस सभी अपने अपने एरियाज़ में बैठे हैं, ऐसे नहीं है जहाँ मर्जी बैठ सकते हो आप, इनके पास बहुत स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ दूर दूर तक बैठे हैं लोग। तो वहाँ उस साइड हमारा खाना वगैरह मिलता है, आप अपनी प्लेट उठाओ और आराम से, है ना, जो भी आइटम आपने खानी है और आराम से मिल जाएगी आपको। इवन हर तरह की डिश है यहाँ पे, अगर इटालियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, मतलब एक नंबर भाई, एक नंबर। तो बस जल्दी से अभी फ़्लाइट पकड़ते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो प्रीमियम लॉन्च से तो चेकआउट कर लिया है, अभी उड़ने की तैयारी है, तो अभी गेट्स के पास जा रहे हैं, अभी बस फ्लाइट पकड़ेंगे और पहुंचेंगे दुबई। फिर दुबई पहुंच के स्टे करेंगे 3 घंटे का, उसके बाद भाई टोरंटो पहुँचना है। देखो क्या बनता है इस सफ़र का, जुड़ी रहिए इस वीडियो के एंड तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी कभी तो फीलिंग आती है कि मैं रिपोर्टर बन जाऊँगा एक दिन। सो वी आर बैक अगेन एट ड्यूटी फ्री। आई थिंक सामने ड्यूटी फ्री ख़त्म होने वाला, बस अभी इस जगह से निकलते हैं और जल्दी से बोर्डिंग करते हैं।
काफ़ी बड़ा मेरे हिसाब से। तो यहाँ से गेट नंबर शुरू हो चुके हैं अपने और हमने जाना है 1B। तो हमारा गेट नंबर तो आ गया भाई, 1 नंबर सामने देख सकते हो आप। भीड़ वगैरह तो नहीं लग रही क्योंकि हम बिल्कुल टाइम पे हैं। On behalf of Emirates, we wish you a pleasant flight. दोस्तों अपनी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट, बाहर फ्लाइट्स खड़ी हैं। यहाँ पे दिख नहीं रही, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, बाकी बाहर लाइव दिखाते हैं आपको, डोंट वरी। एमिरेट्स की फ्लाइट बहुत ज़बरदस्त होती है। तो दोस्तों अपने को सीट मिल गई है बढ़िया सी और यहाँ पे एक ब्लैंकेट दिया है इन्होंने और एक हेडफोन दिए हैं। अपना मूवीज़ वगैरह आराम से बैठ के देखो, पूरे रास्ते एंजॉय करो अपनी जर्नी। बस अभी थोड़ी देर में बढ़िया सी उड़ान भरेंगे और फिर पहुँचेंगे दुबई। दुबई पहुँच के हमने 3 घंटे का करना है स्टे। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम्स चल रही हैं हमारी, बट बोरिंग है बिल्कुल। तो दोस्तों इस स्क्रीन के ऊपर हमारी सारी जर्नी कवर होने वाली है, इसके ऊपर आपको सब कुछ पता चल जाता है, कितनी स्पीड से हम जा रहे हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं और किस जगह के ऊपर से हम अभी फ्लाई कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो हम जयपुर के ऊपर से निकल रहे हैं, तो ऐसे करके सिस्टम सारा पता चल जाता है जब भी आप देखना चाहो। तो अभी आराम से इस डिस्प्ले को एक्सप्लोर करते हैं ज़रा। चलिए मेन मेन्यू पर चलते हैं, होम बटन, इन्फॉर्मेशन पे देखते हैं क्या कुछ है। तो इन्फॉर्मेशन तो बाद में दिखाता हूँ आपको, पहले कुछ एंटरटेनमेंट देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट में हमारे पास है मूवीज़। मूवीज़ में कौन सी मूवीज़ हैं भाई, भाई साहब इनके पास A to Z मूवीज़ लग रही हैं मुझे, डिज्नी, मार्वल स्टूडियोज़। वाह भाई, मेरा काम तो बन गया आज की फ़्लाइट का। लो भाई अपनी इंडियन मूवीज़ भी आ गई हैं यहाँ पर, और यहाँ पे रणवीर कपूर को आप देख ही सकते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी में, और यहाँ पे सभी पुरानी मूवीज़ A to Z मूवीज़ हैं बॉलीवुड की। तो अभी बॉलीवुड तो नहीं देखूँगा मैं, अभी देखते हैं मार्वल स्टूडियोज़। हियर वी गो, यहाँ पे देखते हैं अपना, ये सही है, कैप्टन मार्वल्स, ये मैंने बहुत बार देखी है। अभी आराम से बैठ के देखता हूँ और आपसे मिलते हैं बाद में। फ्यू मिनट्स लेटर। तो अपनी फ़्लाइट की फ़र्स्ट मील आ गई है दोस्तों, आई थिंक ये डिनर टाइम है तो डिनर ही होगा। तो अभी देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें लेके आए हैं। तो इसे देख के लगता है काफ़ी हैवी डिनर है हमारे पास। तो यहाँ पे वाटर है एमिरेट्स की तरफ से, और यहाँ पे रसमलाई है, 3 रसमलाई है भाई, और यहाँ पर कुछ पोटैटो का आई थिंक सैलड है टाइप, यहाँ पर पिकल है, और यहाँ पर स्प्राइट है, आप कोई भी ड्रिंक डलवा सकते हो। यहाँ पर कटलरी है जहाँ जिसमें फॉक और चम्मच वगैरह होता है जो भी है ना, और यहाँ पे कैश्यूज़ हैं अपना, बादाम वगैरह काजू, सॉल्टेड काजू। यहाँ पे एक बन है और ये बटर है उसके साथ,
तो ये आई थिंक टावल टाइप है कुछ रिफ्रेश करने के लिए। तो दोस्तों मज़ा आ गया यार डिनर करके, एकदम बढ़िया वाला डिनर था। तो अभी एक चीज़ और लेके आ रहे हैं, वो आई डोंट नो क्या चीज़ है, अभी देखते हैं और साथ में मूवीज़ इंजॉय करते हैं, ऐसे ही टाइम पास होगा भाई। तो भाई हमारे डिनर में एक चीज़ रह गई थी तो अभी आ गई है, ये है दाल चावल प्लस कढ़ी, खाएंगे आराम से। वेलकम टू दुबई दोस्तों। दोस्तों आपको फ्लाइट से निकलते ही इन एरोज़ को फॉलो करना है। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो मैं कनेक्शंस को फॉलो करूंगा, अभी राइट में टर्न लूंगा और सिक्योरिटी वगैरह आई थिंक यहीं पे हो रही है, आप देख सकते हैं। तो अभी अंकल को करते हैं गुड बाय। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो भाई अपनी सिक्योरिटी हो चुकी है डन, आई थिंक जो एक्चुअल सिक्योरिटी है वो आगे जाके होगी, ये काफ़ी छोटी सी थी। तो अभी ड्यूटी फ्री एरिया में घूम रहे हैं। तो अभी दोस्तों अपने बोर्डिंग गेट के पास जा रहे हैं जहाँ से हमने अपनी फ़्लाइट लेनी है, वहाँ पे 3 घंटे का रेस्ट भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरपोर्ट्स। यहाँ एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए मेट्रो यूज़ होती है भाई। दोस्तों अपनी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन हो चुकी है डन, तो यहाँ पे एक्चुअल सिक्योरिटी चल रही है आपके सामने। तो अभी सब वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं और इसके बाद सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले हैं, 13 घंटे की फ़्लाइट है भाई, इसमें आएगा मज़ा। सो वी आर गुड टू गो गाइस, अभी फ़्लाइट में चढ़ रहे हैं और मेरे दिल में धक धक हो रही है एकदम, क्योंकि ये फ़्लाइट नॉर्मल फ़्लाइट नहीं है, इसको एक्चुअल में दोस्तों A380 कहते हैं। जैसे अपनी डबल डेकर बस होती है ना, वैसे ये डबल डेकर एयरप्लेन है भाई, इसमें डबल पैसेंजर्स, डबल इंजन्स, मतलब सब कुछ एकदम लग्जरी। यहाँ से व्यू चेक करो A380 का, 2 इंजन यहाँ पे हैं और 2 इसके दूसरी साइड पे हैं। तो अभी अंदर से भी दिखाते हैं आपको, लग्जरी सा है ना, बहुत ही सही लग रहा है भाई। तो जल्दी से अपनी सीट ढूंढते हैं। लो भाई मिल गई अपनी सीट, अपनी सीट है साइड वाली बिल्कुल। तो लंबी जर्नी में बहुत सही रहता है साइड वाली सीट, एक्चुअली किसी को कहना नहीं पड़ता भाई साइड में हो जाओ, मैंने बाहर निकलना है। और यहाँ से विंडो का नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी रात में तो कुछ नहीं दिख रहा, इसका विंग ही बहुत बड़ा है, यहाँ पे क्लोज करने का ये भी सिस्टम दिया हुआ है भाई। तो अभी फ़िलहाल ओपन रखते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर से अपने को एक हेडफोन मिला है बिल्कुल पैक्ड, और यहाँ पे अपना ब्लैंकेट हो गया, इस बार ब्लैंकेट बहुत हैवी है, और ये अपना कुशन हो गया। तो यहाँ पे स्क्रीन भी थोड़ी वाइड लग रही है। तो एयर होस्टेस की तरफ से सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, अभी पता नहीं क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अगर हमें मिलती है तो आपको दिखाएंगे भाई। तो भाई अपने को एक पैकेट मिला है जिसके अंदर मुझे लग रहा है टूथपेस्ट और ब्रश होगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और होगा इसमें। तो इसको जल्दी से अनरैप करते हैं। तो ये किट टाइप बना रखा है एक, तो इसमें एक पेयर सॉक्स का है, वुलन सॉक्स, जिनको ठंड वगैरह लगती है आराम से अपना पहन के अपना आराम से सो जाओ भाई, ये सही है भाई, इसको डाल लेंगे बाद में, पहले बाकी चीज़ें देख लें इसके अंदर है क्या। और इसके अंदर एक है स्लीपिंग पैड भाई, आँखों में अपना पट्टी बांध कर आराम से सो जाओ, कोई रोशनी का चक्कर नहीं पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कार सा एक, इसके ऊपर क्या बना है, ये तो फायर वाटर एयर, मतलब ये वो चीज़ें दिखा रहे हैं 4 एलिमेंट जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम देते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बिना अपनी ज़िंदगी नहीं है, एयर वाटर फायर है ना, ये ऐसे बताने के लिए जस्ट एक कार्ड है। तो इसको सेव करो, इनके कहने का ये मतलब है। तो जैसे कि मैंने कहा था एक टूथपेस्ट और एक ब्रश, तो भाई एक चीज़ तो सही निकली अपनी, इतना दिमाग तो है भाई। दोस्तों अपनी दूसरी फ़्लाइट की मील आ चुकी है और आई डोंट नो ये डिनर है या ब्रेकफास्ट है, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता चल रहा।
तो अपनी मील अपने पास आ चुकी है और इसके अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इडली सांभर, वाह भाई वाह, ये बनी ना बात साउथ इंडियन फूड। ये है क्रोसेंट और यहाँ पे अपना आ गया एप्पल जूस। आप जूस कोई भी डलवा सकते हो, मैंगो जूस, काफ़ी जूसेस हैं इनके पास। और यहाँ पे कटलरी आ गई है और यहाँ पे एक वेफर टाइप है, आई डोंट नो क्या चीज़ है, ये बाद में पता चलेगा। और कुछ बिस्किट्स आ गए हैं अपने पास और ये हैंड टावल हो गया अपना जो एंड में यूज़ करेंगे हम। और ये कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जूसी टाइप लग रहा है, ये भी एक स्वीट डिश ही लग रही है। यहाँ पे बटर आ गया हमारे पास और यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट्स, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है कोकोनट की कुछ स्वीट डिश, ये भी कुछ नया है, लेट्स ट्राई। तो वही अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया डन। तो अभी स्क्रीन्स पे कैमरास चेक करते हैं कहाँ पे पहुँचे हैं, क्या नज़ारा दिख रहा है बाहर से। तो यहाँ पे अपने पास तीन तरह के कैमरे हैं, तीन तरह का व्यू आएगा। ये टॉप व्यू है तो ये अभी डाउन साइड का व्यू दिखाएगा, तो नीचे भी क्लाउड्स ही दिखेंगे और सबसे टॉप के ऊपर ओनली क्लाउड्स। तो भाई अभी बड़ा है 11 आवर्स, अभी भी बड़े हैं भाई, अभी आराम से सोते हैं और स्क्रीन को छेड़ते हैं थोड़ा सा, क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो अभी इस जगह के ऊपर से जा रहे हैं हम, इनमें से कोई जगह का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, तो मैं नहीं लूँगा। तबरीज, शाहरुद, पता नहीं भाई कहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हमारे वाले एरिया में डार्क हो रखा है, मतलब अंधेरा हो रखा है, और अपने इंडिया साइड में बिल्कुल डे लाइट चल रही है। Few minutes later. आई थिंक हमारी लास्ट मील आ चुकी है इस फ्लाइट की और फिर से मॉर्निंग हो चुकी है। आई डोंट नो टाइम कैसे क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो अभी बहुत भूख लगी है और आपको चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, आपको सिर्फ दिखाता हूँ, बस भाई देखते जाओ। बहुत भूख लग रही है, बहुत ही अमेजिंग खाना लग रहा है। अभी चीज़ें आप देख कर खुद पहचानने की कोशिश करो क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट है भाई, बहुत बढ़िया एकदम, मतलब बस वीडियो के चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है, मतलब अभी तो मैं ख़त्म कर देता। ये सैलड हो गया और भाई पेस्ट्री, वाह। वेलकम टू द कैनेडा दोस्तों। तो दोस्तों जब आप कैनेडा एयरपोर्ट पे लैंड होते हो, आपको साथ के साथ कुछ ऑफिसर्स दिखेंगे जो कह रहे होंगे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कम हेयर एंड सिट देयर। वो आपको स्टडी परमिट और वर्क परमिट पकड़ाएंगे, तभी वो साइड पे इकट्ठा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। बस अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद मेरा स्टडी परमिट मेरे हाथ में है, तो अभी बस इस लाइन को फॉलो करते जाना है हमने।
दोस्तों इस जर्नी का लास्ट स्टेप रह गया है। अभी बस थोड़ी देर में हम कनाडा एंटर करने वाले हैं। सामने इमिग्रेशन हो रही है, यहाँ पे आप लंबी सी लाइन देख सकते हो, सामने ऑफिसर्स बैठे हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। सो वेलकम अगेन टू द कनाडा दोस्तों, अपना इमिग्रेशन हो चुका है डन। गाइज यहाँ पे लगेज की सेल लगी है बहुत ही ज़बरदस्त वाली, तो अभी बैग ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो फाइनली अपने बैग अपने पास आ चुके हैं और एक काम है अभी जो पेंडिंग पड़ा है, वो है सिन नंबर। सिन नंबर के बिना नहीं जाना आप लोगों ने। सामने आप देख सकते हैं सर्विस कनाडा, यहाँ पे सिन नंबर मिल रहा है और अभी लाइन पे लग के 2 घंटे लग के मैंने सिन नंबर ले लिया और अभी वेलकम 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 और सामने अपना कनाडा। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं कनाडा। तो अभी अपने घर के बैकयार्ड में बैठा हूं, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहां पे। तो अभी आराम से आप लोगों के जो इमिग्रेशन वाले क्वेश्चनों का आंसर देता हूं मैं, कि वहां पे मुझे क्या पूछा है ना, क्या मुझे दिक्कत आई और क्या नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही अच्छी जर्नी गई है मेरी। तो अगर मैं इंडियन इमिग्रेशन की बात करूँ, वहाँ पर जस्ट एक सवाल था मेरे लिए, कहते ध्रुव जी क्या करने जा रहे हो आप कनाडा? तो मैंने कहा जस्ट स्टडी। उन्होंने बिल्कुल हिंदी में सवाल पूछा था, कोई इंग्लिश वगैरह का कोई सीन नहीं है वहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं आएगा आपको, तो आप आराम से क्लियर कर देना। आपको यार कॉमन से आंसर पूछते हैं, वो इतना तो पता होता बंदे को, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं होती। हाँ कनाडा में हमें नहीं पता होता क्या कुछ पूछ लें, है ना, क्योंकि इंग्लिश में होता है सब कुछ। तो जैसे कि मेरी दुबई से फ़्लाइट थी, तो दुबई पहुंच के भी मैंने सिक्योरिटी और इमिग्रेशन को क्लियर किया। वहां पे इमिग्रेशन वालों ने जस्ट एक सवाल पूछा था कि आप क्या करने जा रहे हो, बट इंग्लिश में, तो बस उसका आंसर दिया स्टडी। तो भाई उन्होंने बोला ओके यू कैन गो नाउ, तो उसके बाद बस सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी में कुछ नहीं होता, अपने बैग वगैरह लगेज जो भी आपके साथ होता है उस चीज़ को चेक करते हैं, बस उतना कोई सीन नहीं है। तो मैं जैसे ही कनाडा लैंड हुआ, उसके बाद मेरी टर्न आ गई थी इमिग्रेशन की। मुझसे आगे जो भी स्टूडेंट जा रहे थे उनसे कोई ना कोई क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो मैं भी तैयार था बिल्कुल ही कि हाँ भाई अपना कॉलेज वगैरह ही बताना है, ना कोई सीन नहीं है और कौन आपको लेने आ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं उनका मन करे कुछ भी। तो जब मेरी टर्न आई तो भाई उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी, जो मेरा पासपोर्ट का कवर है ना उसको रिमूव करने को कहा। मुझे लगता है उनसे उनको पता चल गया कि इस बंदे को मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, तो इट इज़ फाइन। तो भाई मुझसे तो कोई सवाल नहीं पूछा, आई वॉज़ लकी, आई डोंट नो, सब कुछ बेस्ट था। बस उसके बाद सारी जर्नी आपको दिखाई दी, तो फाइनली वी आर इन कनाडा। सो वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगी हो। बहुत मेहनत से वीडियो शूट किया है, 30 मिनट्स के नियर अबाउट ये वीडियो बन गया है, आपके सामने ही है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।